तो हेलो दोस्तों, स्वागत है को नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई न्यू स्टेट के नाइट मोड के बारे में। और जो न्यू स्टेट का नाइट मोड है तो उसको भाई काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये अच्छा नहीं है। और जो लोग भी भाई गेम से प्यार करते हैं, जिनको पता है कि चलो धीरे धीरे ये गेम बेटर हो रहा है, जो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं न्यू स्टेट की डेवलपमेंट को कि किस तरह से होती है, तो उन लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड लगा और वो लोग भी खेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भाई इस गेम से एकदम से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आज नहीं तो कल एकदम आर पार कर देगी ये गेम, तो भाई इसमें टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में भाई नाइट मोड जो भी अकिंता के अंदर चल रहा है उसके अंदर हमें अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी बात कर लेते हैं अकिंता के नाइट मोड की। तो भाई अकिंता के अंदर अभी जो नाइट मोड है वो भाई एक नॉर्मल नाइट मोड है, उसको आप इस तरह से कह सकते हो। जैसे काफ़ी लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो बोल रहे थे कि भाई कलर ग्रेडिंग वगैरह कर दी है मैप की और भाई वैसे ही दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी नाइट मोड जो है तुमको एक तरह से उसको बोल सकते हो कि भाई टेस्टिंग फेज में चल रहा है, आने वाले टाइम में वो उसमें अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी ऐड होने को, उसके बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। और अगर बात करें इस वाले नाइट मोड की जो अकिंता के अंदर है, हाँ वैसे नॉर्मल नाइट मोड है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी कंटेंट भाई अब आने वाला है फ्यूचर में न्यू स्टेट के अंदर, वो भाई अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रखा है। और एक ऐसा गेम जिसके ग्राफिक नेक्स्ट लेवल है, एक ऐसा गेम जिसके अंदर जो अभी तक जितना कंटेंट आया वो भाई नेक्स्ट लेवल है, वो गेम एक नॉर्मल सा नाइट मोड तो भाई नहीं देगी, क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने इसके लिए भी बहुत तकड़ी प्लानिंग करी है। क्योंकि इस गेम के अंदर जो भी नाइट मोड फ्यूचर में अपडेट होगा वो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो और मैप्स के अंदर भी हमें देखने को मिले। और अभी बात कर लेते हैं, जैसे डेवलपर ने डेव लेटर में भी बोला था कि वो लोग फोकस कर रहे हैं गेम के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि भाई जब गेम ऑप्टिमाइज होगा, जब गेम अच्छा चलेगा, तो ही ये सब सारी चीज़ें, तो ही जितने भी नए मोड वगैरह आते हैं या फिर ग्राफिक के अंदर कोई भी आप अगर एलिमेंट वगैरह ऐड करते हो गेम के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको चलेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब गेम स्टार्टिंग में आया था तो भाई कोई बता भी नहीं सकता था कि ये भाई मोबाइल का गेम है, क्योंकि इतने अच्छे ग्राफिक के साथ, इतने सारे एसेट्स के साथ जो भी आप मैप के अंदर देखते हो, इतनी सारी चीज़ें, मैकेनिज्म की बात करें तो वो भाई बिल्कुल पीसी लेवल का था। तो रेंडर इशू की वजह से गेम ऑप्टिमाइज हो, इसी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है गेम से रिमूव कर दी थी। धीरे धीरे वो चीज़ें वापस आएंगी, लेकिन अगर बात करूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो भाई यार फिलहाल के लिए तो डेवलपर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं और गेम जो है स्मूथली चले। क्योंकि अभी आपको पता है नेटवर्क में भी काफ़ी इशू आते हैं कि अगर आपका जो पिंग है वो 40 से 50 आ रहा है तो कई टाइम पर वो भाई 900 या रेड लाइन के पार भी पहुंच जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए जो नाइट मोड मिला है वो जस्ट इसलिए है कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रिपेयर रहो, आने वाले टाइम में आपको और भी जो है तकड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा न्यू स्टेट के अंदर। क्योंकि भाई अभी कोई भी अगर अच्छी चीज़ आने वाली होती है तो थोड़े बहुत उसके हाइप और थोड़े बहुत उसके हिंट मिल जाते हैं। अभी वाला जो नाइट मोड है वो भी वैसे काफ़ी अच्छा है, इतना कोई बुरा भी नहीं है। हाँ वो नॉर्मल सा एक नाइट मोड है जिसके अंदर आपको कोई गैजेट वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, जिसको आप पहन के जैसे पबजी मोबाइल हुआ करता था कि एक गोगल्स पहन लिया आपने, उसके बाद आपको नाइट विजन साइड जो आपने पहनी उसके बाद आपको जो है एकदम साफ क्लियर दिखाई देता था, इसके अंदर वो चीज़ नॉर्मल है। हाँ लेकिन ये है कि विजिबिलिटी वगैरह इस वाले नाइट मोड में थोड़ी कम हुई है, कलर ग्रेडिंग भी तुम उसको एक तरह से बोल सकते हो। अभी ये नाइट मोड जो है जो भी आने वाला है ये 2.0, उसका भाई आने वाले टाइम में वो भी अपग्रेड होगा और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट वगैरह भी ऐड होंगे इसके अंदर। क्योंकि इसके जो आपने ट्रॉय वाले ट्रेलर देखे होंगे पहले, उसमें भी आपने नाइट मोड देखे हैं भाई, वो वाले नाइट मोड में और इस वाले में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ट्रेलर है, लेकिन उसमें से जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी बहुत ही आती हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत उससे हिंट लगा सकते हो इस नाइट मोड का। और एक ऐसा गेम जो कि एक नेक्स्ट लेवल के ग्राफिक प्रोवाइड कराती है, एक ऐसा गेम जो कि भाई आपको एक नेक्स्ट लेवल पीसी वाला जो एक्सपीरियंस है वो फ़ोन के अंदर देखने को आपको मिलता है। मैकेनिज्म की बात करो, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक आपको देखने को मिलता है, एक फ्यूचरिस्टिक गेम है न्यू स्टेट मोबाइल। ऐसी गेम्स को स्टेबल होने में भाई टाइम लगता है। अभी वॉर जोन की बात कर लो, वॉर जोन में अभी टीपीपी मोड आया है, जैसे कि अभी वॉर जोन के ग्राफिक की बात कर लो तो अभी भी पिक्सेलेटेड हैं, उसमें भी अभी टाइम लगेगा। तो वो भी एक पीसी का गेम जो उन्होंने पोर्ट किया मोबाइल के अंदर, तो ये गेम ऑलरेडी मोबाइल के अंदर बना हुआ है पीसी लेवल, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा। बात कर लेते हैं भाई इसकी कि भाई कब तक हमें इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे ये नाइट मोड वगैरह के अंदर भी आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे ये इसको ऑप्टिमाइज करेंगे और जो नाइट मोड है उसको काफ़ी ज़्यादा और भी रिफाइन करेंगे। तो जो लोग भी भाई नाइट मोड
अभी वाले को पसंद करते हैं तो उसके अंदर और भी ज्यादा उसको अपग्रेड देखना चाहते हैं तो कमेंट में भाई इसके बारे में मुझे जरूर बताना। तो जब तक गेम वगैरह ऑप्टिमाइज नहीं होता है तो भाई नाइट मोड ऐसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे भाई निराश होने की जरूरत नहीं है कि यही बस नाइट मोड यही था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आगे और भी बहुत ज्यादा अपडेट होने वाला है और नया मैप जो आने वाला है भाई नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बारे में डिटेल्स अभी बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। और भाई टेंशन मत लो यार, जब मैं अगर ये गेम खेल रहा हूँ, मैं अभी भी इस गेम के अंदर बैठा हूँ, तो कुछ तो बात होगी यार, ऑब्वियसली बात है, इतनी तो इन्फॉर्मेशन रहती है कि गेम भाई कैसे चलेगा। और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे ई स्पोर्ट्स का क्या सीन है इंडिया के अंदर या कैसा रहेगा, तो उसके बारे में जल्दी वीडियो आ जाएंगी। आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।